क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 को. 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन पी एंड ई इज. पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है. ये डाइपोल है, डायपोल एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो अगर डायपोल एंगल देखें कितना बनाता है, तो ये थीटा बना रहा है. तो पहले देख लेते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है डायपोल के लिए. तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई. तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ए साइन थीटा. ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है. तो अगर इसका सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है तो इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब मॉड की बात है. तो यहां पर सिर्फ मॉड की बात हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू. तो इसको अगर मैक्स करना है, टॉर्क को अगर मैक्स करना है, तो पी तो कांस्टेंट, पी डायपोल मूवमेंट, पी मतलब डायपोल मूवमेंट वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 2qr. और r यहां से यहां की सेंटर से यहां की दूरी होती है, ये डायपोल के सेंटर होता है. तो यहां पर पी की वैल्यू फिक्स है एक पर्टिकुलर डायपोल के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं किया जा रहा है. तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल. तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल यहाँ पे साइन थीटा. तो जब भी ये मैक्सिमम मिनिमम जाएगा, सिर्फ साइन थीटा ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो यहाँ साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, प्लस वन. तो अगर माइनस वन रखते हैं साइन थीटा की वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, और प्लस वन रखते हैं तो मैक्सिमम देगा. तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है, तो हम लोग क्या रखेंगे, प्लस वन देगा. तो क्वेश्चन में बोला था कब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसकी मैक्स वैल्यू कब होगी, जब मैक्स वैल्यू इसकी पीई होगी, जब साइन थीटा की जगह 90 डिग्री रखा होगा, तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी. तो एट थीटा वन, एट थीटा 90 क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा. ये अगर मिनिमम कब होगा, तो ये मिनिमम माइनस वन में होगा. तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये मिनिमम कब होगा टॉर्क, तो मिनिमम टॉर्क की वैल्यू माइनस पीई होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन की जगह माइनस, साइन की माइनस वन वैल्यू रखेंगे. तो यहाँ पे साइन 180 डिग्री रखेंगे, जिसकी वैल्यू माइनस वन होती है. यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री. तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला है, ए और बी के अक्रॉस रिजल्टेंट निकालना है यहाँ पर रेजिस्टेंस. और ये एक सर्किट दिया है, सीरीज पहले सीरीज इसको सॉल्व करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इस सीरीज को देखते हैं. यहाँ पे समझ में आएगा, ये दोनों जो है पैरेलल में कनेक्ट है, कुछ ऐसे है. ये 25 और ये 100 है. तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं. मान लेते हैं कुछ आर वन है, तो पैरेलल के क्या फॉर्मूला होता है, जो दो होते हैं वो वन बाई में प्लस होते हैं, इनवर्स में प्लस होते हैं. ये 1/25 हो जाएगा. फिर क्या करेंगे, फिर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 100 आया, ये 1, ये 4 आर वन, फिर इसको तो ये कितना आया, 20 ओम. तो पहला जो इन दोनों को सॉल्व करने आया वो 20 ओम आया. तो इसकी जगह, पूरे इसकी जगह क्या हो जाएगा, 20 ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा. तो यहां पे इरेज करके इसको यहां पे 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट हो गया. अब यहाँ पे क्या है, 20 और 100 सीरीज में है, तो सीरीज में सीधे सम हो जाता है. तो कुछ R2 मान लेते हैं, तो 100 ओम प्लस 20 ओम, ओवरऑल क्या हो गया, 120 ओम. तो अब इसकी जगह, पूरी की जगह क्या आ गया, R2, जिसकी वैल्यू क्या है, 120 ओम. तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 120 ओम. फिर बाद में यहाँ पे फिर से दोनों पैरेलल हो गए, सेम प्रोसेस फिर इसके बाद भी चलेगा. फिर इसका सम जो, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा. फिर ये ओवरऑल दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. तो आगे सॉल्व करते हैं, ये 120 हो गया. फिर इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों 120 120 है. इसको भी क्या सॉल्व करेंगे पैरेलल में, कुछ R3 मान लेते हैं, तो 120 ओम प्लस 120 ओम. इसका जब R3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 120/2. तो ये कितना आ गया, 60 ओम. तो इन दोनों की जगह क्या आ गया है,
60 ओम, तो ये वाले पूरे इतने एरिया को इरेज करके यहाँ 60 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे 60 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा डी 60 ओम। फिर ये दोनों सीरीज में हो गया, जैसे कि दिख रहा है बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये दोनों 60, ये दोनों सीरीज में, ये कितने हो जाएंगे, कुछ आर फोर मान लेते, इसको कितना होगा 160, सीधे सम हो जाती है सीरीज, ये 160 हो गया। ये पूरा यहाँ पे इरेज करके क्या लगा देंगे 1, और ये 40 है, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो इसको पैरेलल के फॉर्म से कुछ आर फाइव मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 160 ओम प्लस 1/40 ओम, फिर इसको एलसीएम लेंगे तो 160 आएगा, ये 1 टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा 1/R5, जब R5 निकालेंगे तो क्या आएगा 160/5, ये कितना होता है 32 ओम। तो अब जो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहां आया है मतलब एबी के क्रॉस, अब तो ये एक रजिस्टर हो जाएगा, पूरा रजिस्टर सॉल्व होगा, एक रजिस्टर हो गया यहाँ पे, वो कितने ओम का 30 ओम का, सॉरी 32 ओम का, तो आंसर क्या आया है 32 ओम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किलोवाट इज यूनिट ऑफ किलोवाट, इसका मतलब है तो वाट इज इक्वल्स टू क्या होता है जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है एनर्जी का, तो इसका आंसर है एनर्जी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू जंक्शन ऑफ टू डिससिमिलर मेटल्स, तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बोल रहा है कि एक जंक्शन क्रिएट की गई है और दो सिमिलर डिससिमिलर मतलब कि मान लेते कुछ एफ यू है या सी यू है, तो वहां पे फिर क्या बोला है द जंक्शन टेम्परेचर चेंज्ड, जब इससे करंट पास किया गया एक जंक्शन से, तो इस तो जैसे मान लेते यहां पहले T1 था और यहां पे T1 था, और उसके बाद क्या हो यहां कुछ T2 हो गया, यहां कुछ T3 हो गया, ये इनिशियली है और ये जब करंट फ्लो हुआ तब हुआ ऐसा, तो करंट फ्लो होने से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया कहां कहां दो जंक्शंस पे जहां पे डिससिमिलर मेटल्स करेक्ट थे, तो इसका आंसर क्या है सीबैक इफेक्ट, तो सीबैक इफेक्ट इसका आंसर है। और बाकी इफेक्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इसकी जूल्स इफेक्ट की, जूल्स इफेक्ट क्या कहता है, जूल्स इफेक्ट तीन चीजों में डिवाइड किया गया है, ये पूरा नाम है इसका जूल हीट इफेक्ट। पहले क्या है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तीसरा क्या है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहां पे टी टेम्परेचर है, जब ये होता है तो यहां पे आर और टी कॉन्स्टेंट होता है, जब ये होता है तो यहां पे आई और टी कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट, और जब यहां पे ये होता है टी तो यहां पे आर एंड आई कॉन्स्टेंट होता है। तो जूल्स इफेक्ट में तीन कंडीशन होते हैं, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहले में एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है, दूसरे में एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और तीसरे में होता है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहां पे ये हो गया। फिर तीसरा देखते क्या है पिटेयर इफेक्ट में क्या होता है, पिटेयर इफेक्ट में जस्ट इसका उल्टा होता है, हम लोग यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, जस्ट इसका अपोजिट पिटेयर इफेक्ट। पिटेयर इफेक्ट क्या कहता है, पिटेयर इफेक्ट सीबैक इफेक्ट के जस्ट उल्टा होता है। सीबैक इफेक्ट में क्या था, सीबैक इफेक्ट में अगर एक ये तैयार किया गया दो डिससिमिलर मेटल के दो जंक्शन, और इनके एक जंक्शन से करंट फ्लो करा दिया गया, तो इसमें करंट फ्लो करने के कारण इन दोनों जंक्शन के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया। पर पिटेयर इफेक्ट में क्या होता है, जैसा कि बताया गया कि पिटेयर इफेक्ट सीबैक का जस्ट उल्टा होता है,
कैसे उल्टा होता है? उसमें पहले करंट नहीं फ्लो कराया जाता है, जंक्शन के अक्रॉस ही इनिशियली उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है। वो पहले भी यहां पे पहले से ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है दो जंक्शन के अक्रॉस डिस्प्ले में मेटल के करंट करने पे, और फिर तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तो टेम्परेचर फ्लो होने लगता है। तो इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा। फिर क्या आता है? चलो पीटरी इफेक्ट हो गया। वैसे आंसर इसका सीबेक इफेक्ट है, बाकी इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करें किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कोई और इफेक्ट, तो सारे इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो पीटर इफेक्ट ये था, बताया गया कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने के कारण करंट फ्लो करने लगता है जंक्शन के अक्रॉस। चौथा आता है थॉमसन इफेक्ट। जब उसमें करंट फ्लो करता है किसी भी अनइक्वल हीट कंडक्टर में तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट हो जाता है। तो ये था थॉमसन इफेक्ट। क्वेश्चन ने ऐसा बताया था, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या है? सीबेक इफेक्ट, पर सारे इफेक्ट पता होना चाहिए हमें। तो ये क्वेश्चन नंबर था 67। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर एंगल ऑफ डिप पूछा है। तो एंगल ऑफ डिप होता क्या है? अगर किसी भी नेडल को इंडिपेंडेंटली, ये नेडल है, यहां पे प्लेस किया जाता है एक काफी थिन थ्रेड के बारे में, एक तरह एकदम इस पे कोई अलग से फोर्स नहीं लग रहा है जो इसको आप इस डिफ्लेक्ट करे। तो इंडिपेंडेंटली अगर किसी नेडल को रखा जाता है तो वो कुछ एंगल पे रोटेट हो जाती है, मैग्नेटिक पोल के एंगल पे रोटेट हो जाती है। तो मैग्नेटिक पोल के एंगल पे रोटेट यहाँ थीटा बनाती है, इसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ये इक्वेटर है, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो एंगल ऑफ डिप ये होता है। यहां क्या पूछा है? मैग्नेटिक इक्वेटर से एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक इक्वेटर से एंगल ऑफ डिप मतलब नेडल को यहां रखा गया है। एंगल ऑफ डिप में से कहां से नापते हैं? इक्वेटर से ही, तो इक्वेटर पे ही रखा गया। तो यहां एंगल कितना है? एकदम नहीं, एंगल जीरो बन रहा है, तो इसका आंसर जीरो होगा। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पोल से पूछेगा द एंगल ऑफ डिप एट पोल, तो एंगल ऑफ डिप एट पोल कितना होगा? अगर यहां रखा जाता है तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर पूछता है तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि वहीं पर रखा जाएगा, एंगल डिप ना पाया जाता है, एंगल डिप ना पाया जाता है इक्वेटर से ही, तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। अगर पूछता है पोल से तो आंसर होता 90 डिग्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा है? इन सीरीज एलसीआर सर्किट एज रेजोनेंस वन हैज, अगर कोई भी एलसीआर सर्किट क्या होता है? जिसमें रजिस्टर लगा हो, इंडक्टर मतलब एल लगा हो, और तीसरा कैपेसिटर लगा हो। इस सर्किट को क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में कब रेजोनेंस होता है? तो रेजोनेंस होने के लिए इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड इंडक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर इक्वल करते हैं तो इसका इंडक्टेंस कितना होता है? ओमेगा एल, और इसका इंडक्टेंस कितना होता है? ओमेगा सी। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, अगर कोई भी एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में है तो ये इसकी कंडीशन है। ऑप्शंस क्या कहती हैं? ओमेगा इज इक्वल टू एलसी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। थर्ड क्या दिया है? एल ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा सी, ये तो कंफर्म नहीं है, पहला वाला भी पता नहीं, देखते हैं। और ये चौथा वाला क्या लिखा है? ओमेगा इज इक्वल टू 1/L²C². इसको जब हम लोग ओमेगा को एक साइड भेजेंगे तो यहां पे क्या बचेगा? एलसी। और जब ओमेगा को भेजेंगे तो ये क्या बचेगा? √LC, जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो। तो ये आंसर है। और ये कौन सा वाला है? सेकंड वाला है, सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन है, और सब ऑप्शन गलत है। रेजोनेंस की कंडीशन सिर्फ ये है।